तलाश दरअसल मेरे दिल के बहुत करीब है. मुझे कहानी बहुत पसंद आई मुझे, क्योंकि सस्पेंस कहानी है. तो जब मैं, मुझे याद है जब रीमा जो डायरेक्टर हैं फिल्म की, वो मुझे कहानी बता रही थी, तो कहानी सुनते वक्त मैं बहुत ही मतलब एक इंट्रीग में आ गया था कि अगला क्या होने वाला है, कहानी क्या मोड़ लेने वाली है. मैं समझ नहीं पा रहा था. तो बड़ी एंग्रॉसिंग, बहुत एक्साइटिंग, रोमांचक कहानी है. लेकिन सिर्फ एक सस्पेंस ड्रामा नहीं है ये. जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही थी, मुझे, मैंने देखा कि नरेशन के आखिर में मैं रो रहा था, मेरे आंखों में आंसू थे. और मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये सिर्फ एक सस्पेंस कहानी नहीं है, बल्कि सस्पेंस कहानी के साथ साथ ये बहुत ही एक जज्बाती कहानी है. ये कहानी है, इस कहानी का जो दिल है वो ये है कि हम सब की ज़िंदगी में हमारे अजीज़ होते हैं जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, और हमें ये हमेशा डर रहता है कि हम उनको कहीं खो ना दें. या तो हम किसी को जो हमारे बहुत करीब है हम उसको खो चुके हैं, या हम आइंदा किसी को खो देंगे. ये ज़िंदगी की सच्चाई है, और इस सच्चाई के साथ समझौता करना बहुत ज़रूरी है. तलाश इज़ नॉट ओनली अ सस्पेंस ड्रामा, इट्स ऑल्सो अ फिल्म अबाउट कमिंग टू टर्म्स विद लॉस. कि उस जो किसी को आप खोते हैं जो आपके बहुत करीब होता है, तो वो लॉस को आपको बेयर करना पड़ता है, और उसको जज्ब करना कितना इम्पॉर्टेंट है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए. तो ये मुझे बहुत ही जज्बाती पॉइंट लगा कहानी का, और इसका बड़ा असर हुआ मुझ पर, क्योंकि मैं इस किस्म का इंसान हूँ. मुझे हमेशा फिक्र रहती है मेरे बच्चों की. जब मुझे घर से फ़ोन आता है तो मैं डर जाता हूँ. मुझे लगता है कि यार कोई बुरी खबर तो नहीं आ गई. मुझे हमेशा घबराहट होती है. तो लिहाजा इस कहानी का बड़ा असर हुआ मुझ पर, और ये बहुत ही नज़दीक है मेरे दिल के ये कहानी. और देखते हैं, मतलब मुझे लगता है कि हमने फिल्म तो अच्छी बनाई है, अब लोगों को पसंद. नहीं, इस बार मेरा जो रोल है वो एक सीनियर इंस्पेक्टर का है.